हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर्ड मील्स। सबका स्वागत है, बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये चौली ब्लैक आइड बीन्स। तो ये चौली बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। इसकी बनाएंगे अपन रसेदार सब्जी। तो इसको हम पहले बॉईल करेंगे, बॉईल मतलब एक दो सीटी लेंगे बस। और इसमें डालेंगे मिक्स जो है ये पम्पकिन, लौकी, दूधी, लोग बोलते हैं दूधी ना, कई लोग बोलते हैं पम्पकिन, कई लोग बोलते हैं लौकी। तो ये इसके साथ में बनाएंगे रसेदार सब्जी। पहले हम इसको उबालेंगे, इसके बाद हम लौकी को डालेंगे, क्योंकि लौकी बहुत जल्दी उबलती है। इसके लिए इसको नमक डाल के उबालते हैं स्वाद अनुसार। चलो तो फिर अपना चौली उबल गया है, ये देखो। अब अपन डालते हैं वो दूधी। ये देखो चौली, ये दो सीटी मारा था, सॉफ्ट हो गया है। अभी अपन डालते हैं अपना दूधी इसमें। दूधी को एक ही सीटी लगता है, जल्दी से पक जाती है। तो ये भाजी भी बहुत जल्दी हो जाती है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब इसको एक सीटी उबाल दे अपना दूधी और चावली। इसमें तेल डाला एक चम्मच। अब डालेंगे थोड़ा जीरा, और मैं डालूंगी थोड़ा हींग इसमें। और मैं डालूंगी इसमें अपना लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन डालूंगी। इसको थोड़ा ब्राउन, ये देखो लहसुन हो गया ब्राउन। अब मैं डालूंगी इसमें एक प्याज, एक बड़ा वाला प्याज मैंने काटा था। और प्याज को नरम करते हैं। और अपना प्याज ब्राउन हो गया है कांदा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा मसाला, जो ये है मालवनी मसाला, और ये थोड़ा मिर्ची पाउडर है एक चम्मच, ये दो चम्मच मालवनी मसाला, और ये हल्दी है आधी चम्मच। तो इसमें डालते हैं, गैस स्लो करेंगे मसाला फ्राई करते समय, जलना नहीं चाहिए मसाला। अब डालूंगी मैं एक टमाटर इसमें, देखो इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। और अब डालेंगे अपना जो कुकर में हमने पकाया था ये दूधी और चावली, वो डालेंगे अभी। बहुत मस्त रसेदार सब्जी बनती है ये, आप ज़रूर बना के देखो। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सब रेसिपीज़ आ जाएंगे। अब मैं डालूँगी ये आधा नारियल का दूध इसमें, और रस बनाने के लिए। तो बहुत टेस्टी होता है ये रस, दूध डालेंगे तो। नारियल भी डाल सकते हैं आप, नारियल थोड़ा सा ये करके, कांदा नारियल पीस के डाल सकते हो। मसाला गया इसके अंदर। तो आप नमक सब मिर्ची अच्छे से चेक करो, क्योंकि भाजी तो अपनी पकेली है ना। अब मैं डालूंगी इसमें एक वेज क्यूब, मैगी क्यूब, इसमें से बहुत टेस्ट आएगा आपको। ये डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है, तो ये डाल दूंगी एक, और एक दो मिनट उबाल लूंगी। तो अपना भाजी तैयार हो गया है। अब डालेंगे एक चम्मच शक्कर इसमें, और गैस करेंगे बंद।
रेडी हो गया अपना भाजी। ये देखो अपना भाजी रेडी हो गया है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। अपना चवली और दूधी का रसेदार सब्जी तैयार है। ये देखो कितनी मस्त है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है ये भाजी। आप बना के देखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।